क्या हाल है यार। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए ना यार। क्या बताएं यार, कोरोना से विश्वास उठ गया यार। पहले कोरोना कितना अच्छा होता था यार, कि मतलब कोरोना आता था तो लगता था सपने दिखाता था। कॉलेज बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो जाते थे यार, मतलब अलग ही उसकी वैल्यू थी यार। अब तो उसने अपनी इज्जत खो दी यार। बताओ, मतलब एक वीक पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले यार, लग रहा था कि सब लोग को बोरिया बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। और घर नहीं तो कम से कम यार रूम पे पड़े थे, आराम से खाते पीते लेट जाओ यार। अब लेकिन अब क्या हुआ यार, इन लोगों ने लैब बुलाना शुरू कर दिया यार। और इतना खतरनाक तरीके से केस घट रहा है यार। मतलब पहले लगता था कोरोना आया है, कम से कम 2-3 महीना, 3 महीने, 4 महीने तो रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट ये वैलेंटाइन वीक तो खत्म ही करके जाता है यार। लेकिन नहीं भाई साहब, पता नहीं कोरोना को क्या हो गया यार। मतलब यार, इससे कोई भी यार कोरोना से मिल रहा है ना यार, उसे बताओ कि तुम्हारी इज्जत घट रही है, कुछ करो यार। मतलब वरना फिर मतलब सर्दी जुकाम की तरह हो गया यार। मतलब किस नॉर्मल फ्लू बना दिया है लोगों ने कोरोना को यार। कोरोना भैया, तो अगर सुन रहे हो मेरे को, भाई मेरे को छोड़ के बाकियों को मतलब बताओ यार कि तुम हो, मतलब मैं तो मानता हूँ तुम, लेकिन पर सीरियसली यार, तुम्हारी इज्जत घट गई यार, समाज में कोई रह नहीं गया है। कोरोना कोरोना भाई साहब, सुन रहे हो तो देखो यार, फिर से लैब जाना पड़ा यार, फिर से भाई 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक यार कॉलेज में जाना पड़ेगा। समझ लो, तुम थे तो कितना मतलब आराम था, इतना आराम था कि यार आराम को भी दर्द होना शुरू हो गया था कि कितना आराम करोगे यार। फिर से लैब जाना शुरू हो गया है तो जाना पड़ेगा ही, वरना समझ ही रहे हो पापी पेट का अब सवाल है यार, नौकरी नहीं मिलेगी अगर लैब नहीं जाओगे तो। चलो तुमको दिखाते हैं यार, लैब जा रहे हैं यार कितने दिनों बाद। ये देख रहे हो, नया नया बन रहा है 26 जनवरी को। अभी भी लगभग सन्नाटा है पूरा यार, बहुत कम लोग लैब जा रहे हैं। जिसके अंदर चुल्ह है वही जा रही है, मेरे अंदर कुछ ज़्यादा चुल्ह हो गई है। तो सोचा थोड़ा ज़्यादा देख कर आया यार, लैब के हाल चाल लेना ज़रूरी यार। ये तो मास्क पहनना बहुत दिक्कत है यार। सारे रेस्टोरेंट सभी मतलब ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, और लेकिन इस साइड डोसा प्लाजा अभी तक खुला नहीं यार। चलो यार, कुछ लोग तो देखे, मतलब अकेला मेरे अंदर ही चुल्ह नहीं है, तो कुछ और लोग भी जा रहे हैं यार। ये रहा चीफ वार्डन का ऑफिस, डीवी हॉल के जस्ट पास में ही है। एक और रेस्टोरेंट यार हेक्सागन, ये भी अभी तक नहीं खुला यार। ये तो ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं कर रहा है, ना ही डोसा प्लाजा, और शायद सिर्फ कैलोरी जो रेस्टोरेंट है ना, बस वही ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है, बाकी तो कोई नहीं कर रहा यार, बाकी तो सब सन्नाटा है यार। कितने दिन बाद कॉलेज जा रहे हैं एकेडमिक बिल्डिंग में यार, देख रहे हो एकदम साफ सुथरा हो गया। सही बात है, जब इंसान नहीं रहेंगे तो साफ सुथरा होगा ही। देख लो कितना लॉजिकल बात करा मैंने। यह सारे लेक्चर हॉल है, यहाँ से नज़ारे बहुत सही लगते हैं यार। ये देख रहे हो, बनाया हुआ है हमारा फेवरेट, पता नहीं क्यों बनाया यार, बस बनाना था बना दिया। कोई अभी तक तो उसका कुछ काम चालू हुआ नहीं भाई, ना ही अंदर जाने देते हैं, कम से कम ऊपर से देख कर तो है दुनिया कितनी हरामी है। बस ये है यार, नज़ारे बहुत सही हैं। अपने कॉलेज में आओगे ना, नज़ारे बहुत सही मिलेंगे, दोनों तरह के नज़ारे बहुत तगड़े तगड़े हैं, तो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो दोनों देखता हूँ, अब कोई एक देखे या दो देखे, कुछ लोग तो एक ही देखते हैं ना, वो देखते दोनों हैं, वही होता ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही वही है। ये रहा यार अपना, सामने ईसी डिपार्टमेंट है, और उस वो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है यार, होगा कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा ही, उधर शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो।